स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसे मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक ड्रामा मूवी सुंदरी के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां प्रभु अपनी दोस्त सुषमा की शादी में अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। और प्रभु की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ में कवारा भी। अब शादी में आने के बाद प्रभु का वहाँ पर मन नहीं लगता, इसलिए वो अपने दोस्त से झूठ बोलकर ऊपर सिगरेट पीने के लिए जाता है। वहाँ पर प्रभु की नज़र जैसे ही सुंदरी पर पड़ती है, वैसे ही सुंदरी की खूबसूरती को देखकर प्रभु उसके प्यार में दीवाना हो गया, जिसके बाद प्रभु जहाँ भी जाता उसे हर जगह सिर्फ सुंदरी ही नज़र आने लगी। प्रभु सुंदरी से प्यार करने की बात अपने दोस्तों को बताता है और इस तरह मुखिया जी की मदद से वो सुंदरी के घर पर उसका हाथ मांगने चला जाता है। वहाँ मुखिया जी सुंदरी के पिता को कहते हैं कि प्रभु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और महीनों के लाखों रुपए कमाता है, और अगर सुंदरी की शादी तुम इससे करते हो तो तुम्हारी बेटी काफ़ी खुश रहेगी। ये सुनकर सुंदरी के घर वाले भी मान जाते हैं और फाइनली उन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी हो जाने के बाद प्रभु सुंदरी को अपने शहर में अपने घर लेकर आता है। सुहागरात के दिन वो दोनों बेड पर थे, लेकिन सुंदरी कुछ ठीक महसूस नहीं करती तो वो प्रभु को उसे छूने नहीं देती, जिसके बाद प्रभु भी उसकी फीलिंग्स को समझकर सुंदरी के इस फैसले का आदर करते हुए अपने रोमांस वाले प्लान को कैंसिल करता है। अब अगले दिन प्रभु ऑफिस जाने से पहले सुंदरी से मिलने के लिए आता है, लेकिन सुंदरी घर में मौजूद नहीं थी। प्रभु उसे हर जगह ढूंढता है और वो काफ़ी परेशान भी था कि वो आखिर कहाँ गई होगी। फिर हर जगह ढूंढने के बाद वो आखिर में अपने टेरिस पर जाता है, जहाँ एक कोने में सुंदरी बैठकर रो रही थी। वो उससे कहती है कि मुझे शहर में रहना बहुत अजीब लग रहा है, तो तुम प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दो, जिसके बाद प्रभु उसे समझाता है कि शहर की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। फिर प्रभु उसे समझा कर अपने दोस्त अनीता के घर पर लेकर जाता है, ताकि वहाँ वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर अनीता का पति आता है, जो सुंदरी को बड़ी ही बुरी नज़र से देख रहा था। इससे अनीता को लगा कि सुंदरी बहुत घबराई हुई है, तो वो उसको घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है। और इसी बीच अनीता उससे उसकी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछती है, जिस पर सुंदरी उसे कुछ नहीं बताती। तब अनीता सुंदरी को शादीशुदा रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ समझाती है और कहती है कि इस चीज़ का होना पति और पत्नी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दिन बीत जाता है और प्रभु के ऑफिस से घर पहुँचने पर उसने देखा कि सुंदरी में काफ़ी सारे बदलाव आ चुके हैं। वो पहले से काफ़ी बदल चुकी है और खुश भी है, जिसे देखकर प्रभु को भी काफ़ी अच्छा लगा। अब इससे पहले दोनों अपनी मस्ती शुरू कर पाते, उससे पहले वहाँ पर प्रभु का दोस्त रितेश आकर उससे गेमिंग की सीडी मांगने लगा, क्योंकि वो एक गेम डेवलपर का काम करता है। अब प्रभु के गेमिंग सीडी लेने के लिए ऊपर जाते ही रितेश की नज़र सुंदरी पर पड़ी और उसकी खूबसूरती को देखकर वो भी उसे बुरी नज़र से देखने लगा। फिर रितेश के जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट होते हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के पूरे मज़े लेते हैं। इसके अगले ही दिन प्रभु को उसका मैनेजर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है, जिससे खुश होकर प्रभु अपने सारे दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुलाता है। वो सुंदरी को फ़ोन करके दोस्तों के लिए चिकन बनाने के लिए कहता है, जो लेने के लिए सुंदरी बाहर जाती है। तभी उसे वहाँ पर प्रभु का वही दोस्त रितेश मिलता है, जो उस दिन उसके घर आया था। रितेश सुंदरी को देखकर उस पर लाइन मारने की कोशिश करने लगा। अब ठीक उसी रात प्रभु अपने दोस्तों के साथ घर पर पहुंचता है, जहां सुंदरी ने उनके खानों का बंदोबस्त किया हुआ था। उनके साथ प्रभु का मैनेजर भी वहां पर आया हुआ था, जो सुंदरी को देखकर बिल्कुल हैरान था, और वो भी सुंदरी की खूबसूरती को देखकर उस पर गंदी नज़र डालने लगा। और यही नहीं, पार्टी करते वक्त वो प्रभु से कहता है कि तुम्हारी बीवी बहुत ही खूबसूरत और कामुक है, जिसे सुनकर प्रभु को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने अपने सीनियर की इंसल्ट करके दोबारा उसे ऐसी गलती ना करने के लिए कहता है। इसके अगले ही दिन अचानक से प्रभु को जॉब से निकाला जाता है। वो ये सारी बात सुंदरी को बताता है और जॉब ढूंढने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी को विजिट भी करता है, लेकिन उसके हाथ एक भी जॉब नहीं लगती और इसी टेंशन में वो बहुत शराब पीने लगा। अब एक दिन प्रभु अपने टेंशन को भुलाने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और वहाँ पर एक पंडित को देखता है। पंडित कह रहा था कि कई लोगों की कुंडली में दोष होने के कारण उनका बहुत सारी मुश्किलों से सामना होता है। अब इससे प्रभु को लगने लगा कि कहीं ना कहीं सुंदरी के साथ शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसने भी बिना कुंडली को देखे उससे शादी कर ली। अब प्रभु ने मान लिया था कि कुंडली दोष की वजह से ही सब बर्बाद हो रहा है, जिसके बाद इस बात से परेशान होकर वो सुंदरी को टॉर्चर करने लगा। अपने पति का यह अजीब बर्ताव देखकर सुंदरी भी काफ़ी इमोशनल और दुखी थी। वो अपने पिता को कॉल करके इन सारी बातों के बारे में बताती है, तो उसके पिता उसे किसी अच्छे पंडित से मिलकर कुंडली निकलवाने के लिए कहते हैं।
फिर सुंदरी वहां पर एक ज्योतिषी के पास जाती है जो उससे कहता है कि तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है और अगर तुम इसे दूर करना चाहती हो तो तुम्हें किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। अब ज्योतिषी की ये सारी बातें सुनकर सुंदरी काफी हैरान थी कि ये सब क्या है। बेचारी सुंदरी काफी मासूम और भोली थी तो ये सब सुनने के बाद वो काफी दुखी रहने लगी। वो अपने इस दुख को भुलाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन इसी बीच प्रभु कुछ आदमियों को बुलाकर अपने घर की एक एक चीज बेचने लगा क्योंकि वो पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। अपने पति के ऐसी हालत को देखते हुए सुंदरी को ज्योतिषी की वो बात याद आती है जिसमें वो कह रहा था कि तुम्हें किसी दूसरी मर्द के साथ संबंध बनाने होंगे। इसलिए वो थोड़ी हिम्मत करके कपड़े के दुकान में जाकर स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े लेकर खुद को बदलने की कोशिश करती है लेकिन गांव के संस्कार होने के कारण वो इसमें बिल्कुल नाकाम होकर घर में आकर बहुत रोती है। अब रात के वक्त प्रभु अपने सीनियर को घर पर मिलने के लिए बुलाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे फिर से अपने पुराने काम पर ज्वाइन करवा लो। साथ ही उस रात प्रभु ने जो बदतमीजी की थी उसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है। प्रभु की इस हालत को देखकर उसका बॉस प्रभु को दिलासा देता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा जिसके बाद सुंदरी को महसूस होता है कि प्रभु का बॉस उसके पीछे आकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसकी जिंदगी में बिल्कुल अकेलापन छा जाता है क्योंकि अब ना तो उसका पति उसे ठीक से बात कर रहा था और ना ही उसका किसी चीज़ में मन लग रहा था। अब एक दिन जब सुंदरी सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी तो उसे प्रभु का दोस्त रितेश वहाँ पर मिलता है जो उसे अपनी बाइक से घर छोड़ता है। अब सुंदरी को पता था कि अगर उसे कुंडली से दोष हटाना है तो उसे किसी के साथ संबंध बनाना होगा, इसलिए वो रितेश के साथ थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है जिससे रितेश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता क्योंकि उस बेवकूफ़ रितेश ने अपने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि सुंदरी जैसी इतनी खूबसूरत कोई उसे भाव देगी। लेकिन बेचारी सुंदरी तो यह सिर्फ अपने पति की खुशी के लिए कर रही थी। वो रितेश के फ़ोन पर अपनी कुछ तस्वीरें भेजती है जिससे रितेश उसके और करीब आ सके। इससे रितेश की हवस और भी बढ़ जाती है जिसे बुझाने के लिए वो सुंदरी को अपने किसी सुनसान रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर सब कुछ शुरू करने से पहले फीलिंग आने के लिए वो सुंदरी को एक वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में सुंदरी को वही ज्योतिषी किसी औरत के साथ रंग रलिया मनाते हुए दिखाई देता है जिसने उसे कुंडली दोष के बारे में बताया था। अब उस वीडियो को देखने के बाद सुंदरी को सारी बातें पता चलती है कि उसके साथ खेल खेला गया है। सुंदरी तुरंत वहां से निकलती है जिससे रितेश मन ही मन खुद को कोसता रहा कि उसने सुंदरी को वो वीडियो क्यों दिखाई। अब वहां से निकलने के बाद सुंदरी उसी आश्रम में जाती है और उस ढोंगी ज्योतिषी को अच्छा सबक सिखाती है। साथ ही उसे एहसास दिलाती है कि तुमने औरतों के साथ बहुत गलत किया और तो और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया। इसके अगले दिन बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा थे क्योंकि प्रभु ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आती है और देखते हैं कि सुंदरी जोर जोर से रो रही थी। इंस्पेक्टर अनीता से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। अनीता पुलिस को बताती है कुछ महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और इसके बाद प्रभु की जॉब चली गई जिससे वो काफी शराब पीने लगा था। साथ ही उसने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इसी बीच इन दोनों के रिश्ते में भी बहुत परेशानियां खड़ी हो गई थी जिससे डिप्रेशन में आकर ही शायद प्रभु ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। अब सुंदरी की हालत को देखते हुए इंस्पेक्टर उसे अपने गांव जाने की सलाह देता है जिसके बाद सुंदरी अपने गांव आती है जहाँ सुंदरी के पति की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार वालों को भी बहुत दुख हुआ। इसी बीच जब उसके पिता सुंदरी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पति ने आत्महत्या क्यों की तो अचानक से सुंदरी कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की बल्कि मैंने ही उसे जान से मारा है। अब कहानी देखते हैं कुछ दिन पहले जब सुंदरी आश्रम से लौटकर घर आई थी। घर पर उसका पति बहुत शराब पी रहा था जो उसे शक के मारे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा घूमने लगी हो। और जब वो गड़बड़ी में उस ज्योतिषी के बारे में बात करता है तब सुंदरी को पता चलता है कि आखिर प्रभु को ज्योतिषी के बारे में कैसे पता चला। उस ज्योतिषी से तो वो अकेले ही मिलने गई थी और उसने कभी भी इस बारे में बात नहीं की। तभी सुंदरी को उस ज्योतिषी की कही वो सारी बातें याद आती है जिसमें ज्योतिषी ने उसको सच बताया था कि तुम्हारे पति ने ही जानबूझकर मुझे मंगल ग्रह का दोष बताने के लिए कहा था और मुझे ये भी कहा था कि मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हें किसी पराये आदमी के साथ संबंध बनाना होगा जिसके बाद ही तुम्हारी कुंडली का दोष दूर हो जाएगा। अब अपने पति की पूरी हरकत सुंदरी की समझ में आ गई थी जिसके बाद प्रभु अपने असली रूप में आता है। वो सुंदरी से कहता है कि मेरा बॉस तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया और वो तुम्हें किसी भी हालत में हासिल करना चाहता था। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि पार्टी वाले दिन मैंने और मेरे बॉस ने मिलकर एक डील की थी जिसके बदले में मैंने उनसे कहा कि मेरी तनख्वाह 1 लाख से 2.5 लाख रुपए कर दो और बदले में मेरी बीबी को रख लो क्योंकि मुझे तुमसे ज़्यादा पैसों से प्यार है।
वो साथ में कहता है कि मेरे बॉस ने बहुत बार तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार मेरा ये प्लान फ्लॉप कर दिया। अब वो धीरे धीरे अपने राज खोलता है कि कैसे उसने पंडित को पैसे देकर उसे झूठ बुलवाया और नौकरी चले जाने का भी नाटक किया। अब अपने पति के ये सब बातें सुनकर सुंदरी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कहती है इसमें मेरी क्या गलती थी, जिसके जवाब में प्रभु कहता है अच्छा मेरा बॉस घर आने वाला है और मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब बदले की आग में जल रही सुंदरी ने ठान लिया था कि वो प्रभु से बदला लेगी और आखिरकार उसी समय मौका मिलने पर सुंदरी ने अपने पति को बिल्डिंग से धक्का देकर नीचे गिराकर उसे मार दिया। तो ये थी सुंदरी के पति की काली सच्चाई जो वो अपने माता पिता को बता रही थी। ये सुनने के बाद सुंदरी के माता पिता उससे कहते हैं कि तुमने अपने पति को मारने की बजाय हमें या फिर पुलिस को क्यों नहीं बताई। सुंदरी कहती है कि हर पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर पति ही अपनी पत्नी को बेचने की कगार पर आ जाए तो उसको मौत की घाट उतरना ही आखिरी उपाय है। सुंदरी के पिता उसे कहते हैं कि बहुत जल्द लोगों को इस मर्डर के बारे में पता चल जाएगा और पुलिस भी तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, तो आखिर तुम्हारे जीने का क्या फायदा। तब सुंदरी कहती है कि मुझे जीना होगा मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे होने वाले बच्चे के लिए। और इसी सीन पर यह मूवी यही खत्म होती है। अब बात करें सुंदरी की, तो जो कुछ भी उसने किया वो देखा जाए तो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो एक छोटे से गांव की एक भोली भाली सीधी सी लड़की थी जिसका फायदा उठाने के लिए ही प्रभु ने उससे शादी की। लेकिन प्रभु को नहीं पता था कि उसका ये गलत इरादे का फैसला उसी की जिंदगी को लेकर डूबेगा। तो मूवी और उसकी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।